अरे अभी ये क्या ले रखा है? कपड़े तो हम चलिए। अरे और कोई काम कर ले कपड़े। काम करूं, दो सूट दे रहे हैं, एक चादर है। दो सूट आपके है, एक चादर है। अरे चादर कौन सी है? मैंने तो देखी नहीं। ये चादर बहुत पुरानी, मेरी माँ के हाथों की है। ये कैसे? अरे इसको क्या हो गया? हम दे देते चाय डोलती। अच्छा 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 अच्छा, चाय डोलती हो धोने जा रही है। अच्छा ये चादर है। अरे मेरे को दिखाओ, ले 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 मेरे को। कमाल कर दी भाभी, ये चादर का अलग रखी थी तूने? रखी थी। अरे ऐसे ये चादर? अरे वाह भाई वाह। चलो मैं आओ फिर मैं बिछा के दिखाती हूँ तुम्हें। ये चादर भाभी ने तो रखे संभाल के, पर इसका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है ये। ये ऐसे, ये देखो, ये देखो। कितने साल पुरानी हुई चादर भाभी? 30-35 साल है। 35-40 साल हो गए। अच्छा 35-40 साल हो गए इस चादर को। वाह जी वाह। देखो आज के बच्चे तो कंप्यूटर पे करते हैं, और ये देखो पुराने जमाने की, ये केसमेंट कपड़ा बोलते हैं इसको। और ये देखो कैसी बना रखी है ये मुर्गी, और इधर लाल रंग की मुर्गी, और ये पूरा डिज़ाइन फ्लावर का, एक इधर मुर्गी का डिज़ाइन, एक इस तरफ मुर्गी का डिज़ाइन, और फिर इस करके देहाती ऐसे करके पूरी चादर है। देखिए आपने कभी, ये देखो। वाह जी वाह, एक ये चादर। मैं आपको दोस्तों बताऊं कि ये केसमेंट का कपड़ा, और ये केसमेंट का कपड़ा बोलते हैं, और इसके ऊपर ऊन की, ऊन रंग बिरंगी, हरी लाल पीली कैसी भी हो तो ऊन की कढ़ाई होती है। और ये जो अनपढ़ औरतें होती थी ना, बहुत सियानी और समझदार होती थी, ऐसे चादर थैले ऐसे सेट बना बना के ना बेटियों की शादी में, जो ब्याह शादी में देना होता था ऐसे देते थे। और अगर ये चादर का डिज़ाइन आपको दिखाया, 40 साल पहले मेरी भाभी ने संभाल के रखी है ये चादर, अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया ऐसी वीडियो बनाकर दिखाती रहूं। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बाकी आपकी इच्छा। बाय बाय।